नमस्कार दोस्तों, जय 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 और एक बार फिर आप सबके प्रिय हमारे भाई भोपाली दद्दा हमारे बीच में हैं और आप सभी का स्वागत है होली के बाद हमारे पहले कार्यक्रम में। हाँ भैया, तो होली बीत चुकी है। हाँ भैया, ऐसी रही नीक तो रही भैया, लेकिन वो वाला नहीं हो पावा जैसे अब की थोड़ा बहुत जानी रहे हो सब बवाल पा रहा है। बवाल भयंकर बवाल मचा पड़ा है। अरे पूछो ना भैया, केस पर केस बढ़े ला तो, लेकिन देखो भवा अच्छा अहिमा देखो बड़ा उ रहा है अब की गील रंग क्या लो भाई सूख रंग और दिक्कत कर सांस ले में अहिमा अहिमा। हालांकि अब की बहुत कम जने मतलब कम रहा वक्त होली अब की 30% हुई। हाँ जरूर कहा जी। हाँ और बहुत दूर तक खैर सब जने तुम्हारे पुराने लखनऊ तो प्रॉपर रहा मतलब दिखाई दिया रंग खेला नहीं हमारे वहाँ देखान तो लेकिन फरा फरक रहे और फिर देखो वो आगे वाली पीढ़ी जब हमका लोगों ने पीछे देखते आई है कि ये इतना करती रहे तो कुछ नहीं तो भैया 10-20% तो करीबे करी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लेकिन अब कोरोना का जिस तरह का माहौल चल रहा है, अरे पूछो ना आफत बाढ़ तिबाढ़ देखो कहाँ तक। लेकिन मास्क का थनथनी स्टाइल बताओ कैसे कैसे मास्क लोग लगावत हैं। अरे पूछो ना जैसे चश्मा नहीं कब कब देखो आदमी हिया लगावत चलो ठीक है मालूम दिखाई दे अब हिया लगाए है अब हिया तो नहीं कौन सेंटर मिला रहा ऊपर तो नहीं समझ में आ रहा। और जो कान में जने कान में यो मान लो यो लगाए है और यो में धरे तो फायदा लगाए हैं रखे हैं और कुमर टोकी दे अरे है यार अब है उतारे हैं अब है उतारे मतलब एक तरह से देखा जाए तो मास्क भी हेलमेट और सीट बेल्ट की तरह हो गया कि चालान बच जाए कोनो तरीके वह है। हाँ। अच्छा पिछली दाय इतना लॉकडाउन भैया मान लो भाव लॉकडाउन भवा कोरोना वार तो इतनी ज्यादा प्रतिबंध सिस्टम है कि आदमी उस समय बड़ा वही मरा है। हाँ। अब की जान चुका अब की मामला और ज्यादा बढ़ ही रहे। हाँ। भाई पहले निकल रहा है 15-20-25 अब 800-900-400-300 नीचे तो रोड कम निकल ही नहीं जाए बात ही नहीं हो रही। और एक दूसरा कारण यहाँ जान लो भैया जांच भाई कब जन हो के इतने आए इतने नहीं है जब जांच हुई आदमी घबरा रहा है जांच नहीं करा रहा जांच अहिका छोड़ दो वैक्सीन तो नहीं भागी रहा। अब 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के लाग गए भाई वैक्सीन लाग गए उनके कुछ होना होगा। देखो 1-2% कहीं है भवा कुछ चाहे जो जैसे उस समय रहे कि कैसे डेथ हो जाए कोरोना में तो वो एक माहौल विशेषज्ञ का ही माने का माना है? मानना है कि वैक्सीन लगाए के बाद जरूरी नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा लेकिन उसकी गंभीरता उतनी नहीं होगी जितना गंभीर इन मामलों में होता है खासतौर पर मृत्यु के मामले में वैक्सीन बहुत कार साज है। आई तरह समझो भाई रोड चल रहे हो एक्सीडेंट हो जाए वही का कोई नहीं रोक सकता लेकिन दारू पी के चल रहे हो कब हो जाए युद्ध मुंह नहीं जाना मतलब संभावना बढ़ गए ना। बिल्कुल बिल्कुल यह चीज है कि वैक्सीन भैया अगर लग गए तो कुछ खतरा कम भवा। कुल मिलाकर के गाड़ी में एयर बैग होता है सीट बेल्ट होती है दुपहिया पे हेलमेट होता है तो आपकी चोट खाने की आशंका वह गंभीरता कम हो जाए गंभीर चोट नहीं लगी। भवाली दद्दा एक अपील आप कर दीजिए 45 भैया सब जने 45 के ऊपर वाले कोशिश करो और वैक्सीन वैक्सीन लाग रहे संकोच लगवाओ यू सब प्राइवेट अस्पतालों में। अच्छा यू बताओ नहीं लगवा रहे तबो खतरा लीने घूम ही रहे हो लगवा लो कुछ कम है खतरा हो कुछ नहीं बहुत कम हो जाएगा। दूसरी चीज है मास्क सैनिटाइजर और शारीरिक दूरी हम दोनों तो ऐसे कार्यक्रमों में आप सभी जगह देखते होंगे ऐसे कार्यक्रमों में मास्क लगा के नहीं बैठा जा सकता लेकिन हम फिर है व्यवस्था पड़ी सब सारी चीजों का इस्तेमाल कीजिए जो पहले आप पिछले साल जिस तरह से आप लोग बहुत संवेदनशील थे गंभीर अजमा हो पड़ी। देखो कत्ते भैया वो एनएक्सी में यहाँ पत्रकार क्या चुनाव रहा कत्ते जने लोग दर्जन भर हमारे पत्रकार साथी एक साथी हमारा जो है हाँ प्रमोद भी हुआ है बेचारे बताओ जीते रहे कार्यकारिणी चुनाव जीते रहा वह है भैया ये कोरोना देख के तो आई नहीं बिल्कुल नहीं आई तो सब करे परी भैया इंतजाम करो और ज्यादा मजा ना ले लो मजा का तुमको बताइए ऐसा इसका हमने नहीं हो सका। अरे तुम कौन रंगाए के आए हो वो एक मैसेज चल रहा अश्वत्थामा और हनुमान जी और फलाने ढिकाने ई अमर है तुम नहीं हो तुम नहीं सही बात अमर है तुम नहीं तुम अमरावती नहीं ले तो वैक्सीन तो नहीं चाहे बच्चो और चाहे एहतियात चाहे एहतियात और काढ़ा है ये लोग काढ़ा पियो ये कड़म पियो
सारी चीजें हैं और इनसे सावधान रहने की जरूरत है। तो पंचायत चुनाव हम ना आ गए, तुम दुमी बाज गए, हम सोच लो अरे अब की हमका लागत है नामांकन आपत, हम कल पंचायत स्थान नहीं गए रहन चुनाव का दल है। तो पता नहीं कितना बताई ना हमका, मतलब यू मान चलो 25% क्या रूप हो रहा है, अरे बड़ा मतलब दुई ब्लाकन के नहीं आवा रहा है। अब सोच लो 7-8 तारीख से होने हैं नामांकन, नामांकन पत्र जो बिके रहे हैं तो वही में यू वगैरह भैया प्रेस का ऑर्डर भैया जो जितने गए हैं इसके 3 गुना और छापो कहे तब मेन सीजन अब आ रहा। अच्छा अब आदमी इतना कूट रहा है इधर तेनी भाई कोरोना साल भर में यहाँ सब ऐसी वैसी कहले चलो प्रधान ही मजमा हो जाए। सही बात है, कुछ कुछ तो मिलेगा। एक तो खबर यह और वायरल है कि जो प्रधान जी हैं उनका गजेटेड ऑफिसर का दर्जा मिलेगा, ऐसा कुछ है क्या? एक खबर हम कहीं देख रहे थे, पता नहीं कितनी झूठ हो सकती है कि 1 अप्रैल तक देखे हो शायद। देखे हुई हो कोई बड़ी बात नहीं। सही कह रहे, वो तो कल हुई अपन बड़के दद्दा नहीं है हुई दयानंद पाड़े भैया, हाँ वही कल विलय करवाई है बड़ी बड़ी पार्टी के। अरे तो वहाँ तमिल वहाँ तेलंगाना में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की एक खबर किसी क्रॉनिकल डेक्कन क्रॉनिकल या कोई अखबार है उसने छाप दी ऐसे ही मजाक में ट्विटर पे कि जो है इनका विलय भाजपा में हो गया। अरे कल ही तो अपने इनका राजीव गांधी तक का हुई भेज दिन इनका उनका राहुल गांधी के तो यू सब फर्स्ट अप्रैल देखे हुई हो बाकी जाको प्रधान अपने कहीं प्रधानमंत्री कम नहीं समझे लेके वो होता है प्रधान वही का मिलते एक सेक्रेटरी वो होती है मंत्री तो दोनों मिलके हो गए प्रधानमंत्री। तो प्रधान जी अपना को इतने नीचे समझते ना तो गजेटे जो इस मामले में पंचायत फिल्म अगर आप देख लें आपने देखी नहीं होगी। नहीं हम नहीं देखे लेकिन जानित सब वो देखे वाली पिक्चर है कैसे एक पंचायत सेक्रेटरी और प्रधान का रिलेशन होता है तो उसमें महिला प्रधान होती है लेकिन उनके पति संभालते हैं तो बहुत ही शानदार उसकी थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने कई जगह प्रत्याशियों की घोषणा करी सब दिन सपा तो कई दिन से सपा निकाल रहा है यहो निकाल रहा है क्या करो बहुत लड़ो और लोग इस तरह से एक दूसरे को बता रहे हैं कि भैया चुनाव लड़ रहे हैं जैसे लग रहा है कि कामयाबी उनके कदम पे है। अच्छा साल भर से कुछ बताओ की स्थिति होना है ये भी बात भाई जब कुछ हो तब है तो बताइए बता रहे तो बता चल रहा है उनका काम और होली मिलन गांवों में कैसा चल रहा है? होली मिलन गांव में यह ठीक रहा आपकी अब की थोड़ा परंपरागत तरीके पर लौटा है मामला कारण वह है पंचायत चुनाव ना कौनो एक दूसरे की ज्ञात नहीं रहे कहा अब देखो भाई आज को तक अपने हुआ मिलन ही चलती रहा और देखो दो दिन में सब सुहा हुई कहा हालांकि हम 3-4 जगह गए 2-3 जने धोखा देने नहीं तय कि नहीं चलवे साथ है और खुद अकेले निकल गए। अच्छा कोई बात नहीं आओ गुजी अकेले हम चुनाव आए वाला है सबका देखा जाए। और मंगल पड़े और नंदीग्राम में का भया है ममता जी भी जो है जमी रही पूरे। अरे अब का करिए भैया जब उनके सब कुछ तुम लोग एकदम मान लो मुरैठे बांधे हो तुम अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ रहे तो हुई छोड़ी है नहीं लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी ही विधानसभा क्षेत्र में। अच्छा यू बताओ तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हो तो है तो पश्चिम बंगाल के ही देश भरे वो बात अलग है लेकिन पश्चिम बंगाल में और सीटों पे भी तो चुनाव था लेकिन वो अपनी ही विधानसभा सीट में ये भाजपा की कामयाबी है एक तरह से। कामयाबी तो उनकी यह है कि वो पूरे प्रत्याशी अपन उतार पाए हुआ पश्चिम बंगाल में बताए ना तो अब जनती है कि भाई इंजन अगर फेल कही दी नहीं तो डब्बा का कही है। सही बात इंजन फेल होगी तो डब्बा अपने दम पे तो ना कोशिश हो कम नहीं रखी नहीं हो कहो कौनो पैतरा बाकी नहीं रखे तब जमी नहीं। और लखनऊ का हाल है मतलब लखनऊ का हाल बड़ा हुआ है कल देखो 5-7 कई महल वाल बंद हुई गए और 2-3 बार बंद हुई गए हैं और यू सब जान चुका यह है लापरवाही। अब जब जागरूकता इतनी है जानत सब कुछ हो कि भैया यह दवाई है और तुम वो कौन वाली वा बताते हैं नींबू पानी पियो या काढ़ा पियो गुनगुना पानी पियो तो ये सब करते ही अब आदमी और लापरवाह हो रहा है तो यह लापरवाही न करे ज्यादा नहीं वरना लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर रोना धोना वही बताई कल लिखा हो रहा है कल यू हो रहा है कि आज हो गए है या तारीख हो गए आज 2 कि 3 तारीख के बाद लग जी तो हम भाई 5 दुकानें बड़ी राजनीति राजनीति तो हमका काहे लग गई भैया कल देख नहीं रहो वो देखो सांसद राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री जो है देखो
कटे आ गए यह लिया आ गए कि तीन तलाक एक लेट डाउन तो हमका गुरु कहा खबर लाए हो नेता हमारे पास आओ पान वान का बताए गए तो हम कहते हो करेक्ट का है भैया वो सिगरेट उगरेट सब और मसाला वसाला सब हम अंदर कैके रखते हैं। ऐसे लोगों को भी लगाम लगाने की जरूरत है। अरे बिल्कुल, अरे ये बकवास है। फिर हम बाद में धीरे कहे हम कहा नेता जी अप्रैल फूल बनाए गए हैं चक्कर उक्कर न पड़े तो अब है इस पता के लेकिन अच्छा यू बताओ जब तू माहौल है महामारी क्या तो मान लो कोनो आदमी मजाको में यह चीज कह दे तो बोली है बिल्कुल भाई जैसे हमसे कही हम तो यू जवाब दे बाकी कोनो औरत कही सोते तो वो यहाँ कहते हैं हाँ भैया आइस करती हूँ कि हमारो पैसा पहले जमा के लिए हमका घरे पहुँचा होती घर पहुँचा होती मतलब इससे कालाबाजारी अरे साफाखोरी यहाँ ये लोग नहीं समझते समझदार तो यू चीज समझे इस पे सब पर इसका असर पड़ता है बिल्कुल तो ये इस तरह से आप लोगों को भी बचना है अफवाहों से। कोरोना काल में अफवाहें पिछले बार भी बहुत फैली थी और इस बार भी लगातार फैल रही। सरकारी निर्देशों को देखते रहें, किसी भी उस खबर पर कोई फैसला ना करें जो किसी अधिकृत सोर्स से आपको ना मिल रही हो। जांच पर रख ले वही का भाई कौनो भेज देने तो यह गलत है। सबसे बड़ी चीज है कोई भी बड़ा अखबार कोई भी बड़ा न्यूज चैनल कोई भी अच्छी वेबसाइट न्यूज वेबसाइट उनको देखें क्या उन पर वो खबर आई है अब तक जो आपको व्हाट्सएप ट्विटर या किसी अन्य माध्यम से फेसबुक के माध्यम से आपको मिली है क्या वो किसी अधिकृत अकाउंट पर भी चल रही है। अगर चल रही है तो कम से कम उस खबर को पूरा जरूर पढ़िए। कई बार जो हेडलाइन होती है जो ऊपर शीर्षक होता है खबर के अंदर उसके इतर भी कुछ बातें छिपी होती हैं। जैसे आज का उदाहरण दें राज्य सरकार ने घोषणा करी कि 11 तारीख तक 8वीं तक के निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। लेकिन अगर इस खबर को आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि इसमें शिक्षक और शिक्षिकाओं को आना होगा। वह है अब भाई कोई पार्ट शिक्षक और शिक्षिकाओं की भी संख्या लाखों में अगर आप इसमें भरोसा कर लेंगे स्कूल बंद है तो स्कूल का बंद का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शिक्षक और शिक्षिकाओं को नहीं जाना है। बंद केवल बच्चों के लिए बच्चों के लिए है बच्चे नाम है बच्चे नाम है को है यार इधर जाकर इमा सम्मा भवा सीएमएस में दो तीन जगह भवा कई स्कूलों में हुआ लमडियर में हुआ सीएमएस में हुआ। तो इस तरह से हम सबको इस बार इस सप्ताह तो हमारा संदेश इतना ही है कि आप सब लोग कोरोना से बचे और खुद को बचाएं दूसरों को बचाएं सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहें मास्क लगाएं और जिनकी उम्र 45 साल से अधिक है वे अपना पंजीकरण आरोग्य सेतु के माध्यम से करा लें और उनको अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जहां टीकाकरण हो रहा है वहां मौका बिल्कुल मिल जाएगा। बिल्कुल भैया आई रखो अगले साल होली खेली जाए जमी के और लंतरानी कुछ हुआ रहेगा। अरे लंतरानी कली बड़ी मौक जाएगा भैया पहली दाए आए गए अपने है उप मुख्यमंत्री जी कही है उपहार मिल गया कदुआ कदुआ फिर बोले ही अरे अपने है डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जी और पहली बार इस बाबा की कोनो कार्यक्रम में यहाँ 3 घंटा बैठ अच्छा हम जी वो रहे मैडम अच्छा हाँ फिर मैडमो पूरा चकल्ला धोवा का अच्छा मतलब कोरोना से बचाव के इंतजाम थे। अरे बहुत भैया जाकर दूरी लेके बैठा हो एक आदमी हो रहा है वहाँ भैया हमका लगा शहर के जो अरे सब रहे लेकिन भीड़ रहे इधर दिनेश पाठक जी शपथ नीक रहे ब्रजेश पाठक और तुम्हारी महापौर जी और इनके अलावा सब तमाम लोग रहे विशिष्ट लोग अच्छा कार्यक्रम था। कार्यक्रम बहुत नीक हो भैया और यह समझ लो कि लखनऊ में यहाँ ये परंपरागत जो कार्यक्रम है बड़ा अच्छा कार्यक्रम और बढ़िया हासिल वही का फिर 1 तारीख है अब 1.5 साल बाद कौनो ऐसा आयोजन भवा और आदमी आखिरी तक बैठ चलिए फिर इस तरह के कार्यक्रम शहर में होते रहें इसके लिए जरूरी है कि हम सब कोरोना से बचाव करें ताकि हम अपने त्योहारों अपने आयोजनों अपने बर्थडे पार्टी शादियों समारोह में बिना किसी व्यवधान के शामिल हो सकें और उनको आयोजन करा सकें। तो इसलिए इसी तरीके से आप सब अपने आप को बचाएं इस रोग से गैर जरूरी तरीके से बाहर ना निकले लोगों से ना मिले जब तक बहुत अनिवार्य ना हो बाहर ना निकलिए और कोरोना से बचिए। दद्दा के भैया बचो तो मजबूरी है कि हमारे पास में इनको आना ही आना है आप लोगों तो नहीं हम अपन व्यवस्था भैया टाइट रखी थी वो है जेब में वो खुशखुशी पर ही है। हां सही कह रहे हैं।
और भाई कम से कम यू रहा है कि अब की जिम की जिनकी गुजिया हम ते बच गई है खाए थे नहीं हाँ। अगर साल खवा तो सको हाँ तो तुम बने रहो मुँह बने रही तब है हो ही पाई हूँ हाँ। बहुत बढ़िया और आप सबका धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े और आपका भी धन्यवाद जय 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 आप सब।